तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारे पास हैं 8 सुपर कार्स और 8 एसयूवीज, तो इनको हम ट्राई करेंगे इस रैंप पे। तो मैं आपको रैंप दिखा देता हूँ कैसा है रैंप हमारा। अब हमें गाड़ी को लेके जाना है यहाँ से तेज रफ्तार में भगाते हुए यहाँ तक लेके आना, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ा के तेज रफ्तार में यहाँ से जंप करानी है और इधर लैंड करा के तो फिनिश लाइन तक पहुँचाना है इस उस कार को अपनी, और यहाँ से आगे ले जाके फिनिश लाइन पार होते ही वो कार कंप्लीट कर देगी हमारे चैलेंज को, और जो पानी में गिरेगी वो बाहर हो जाएगी इस चैलेंज से। तो भाई हमारे पास है यहाँ पे रेंज रोवर, वलार, जी वैगन, फॉर्च्यूनर, पीछे थार है अपनी, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी टर्जो, यहाँ लैम्बोर्गिनी सियान, ये फरारी की स्पाइडर, और यहाँ लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, BMW i8, और ये लैम्बोर्गिनी इग्नस, और यहाँ पे है हमारी बुगाटी चिरोन और फरारी की एक और सुपर कार, और यहाँ पे हमारी खड़ी है डिफेंडर, और ये है मर्सिडीज की AMG, ये है रेंज रोवर मंसार, ये रही हमारी थार, और ये एक और SUV है। तो भाई यहाँ पे टोटल 8 SUV हैं और 8 सुपर कार हैं, आज केवल इतनी ही कार हैं। भाई अब चलते हैं फटाफट, देखते हैं कौन सी कार को सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे अपनी सुपर कार को जो है टर्जो लैम्बोर्गिनी की। भाई ये इलेक्ट्रिक वर्जन है तो फटाफट लेके चलते हैं, काफ़ी तेज भगेगी इलेक्ट्रिक है तो। भाई वैसे भी तेज भगती है लैम्बोर्गिनी की कार्स, तो भाई ये पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। भाई बहुत तेज़ी से गई है, भाई पानी में नहीं जानी चाहिए नहीं तो गाड़ी की बेइज्जती हो जाएगी पहली बार में ही सुपर कार्स की। और भाई क्रैश हो गई भयंकर तरीके से, पानी में नहीं ब्रेक मारो यार, बस बच गई भाई, भयंकर तरीके से पहुंच चुकी है यहाँ पे गाड़ी। और भाई साहब थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ये फिनिश लाइन क्रॉस कर गई, लो फिनिश लाइन पे ठुक गई। भाई यहाँ से अब लेके जाते हैं साइड में खड़ा कर देते हैं, जो कार पार होती जाएगी उसको यहाँ पे साइड में खड़ा कर देंगे जिससे बीच पर लोगों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ खड़ी करते हैं, फिर से ठुक गई एक बार, धुआं देने लग गई है गाड़ी, अच्छा है पार हो गई नहीं तो ब्लास्ट हो जाती रास्ते में पता चली। गाइस यहाँ पे खड़ा करते हैं, एक तरफ अपनी सुपर कार्स खड़ा करेंगे, एक तरफ SUV जो जीतती जाएंगी सिर्फ उन्हें, हारने वाली गाड़ी को अगर पानी में गिरती है तो वैसे ही बाहर होगी। भाई आगे से बिल्कुल पिचक चुकी है गाड़ी, खतरनाक हाल हो चुका है। अब चलते हैं अपनी अगली कार की तरफ, देखते हैं कौन सी कार होने वाली है। तो भाई अब पहुँचते हैं अगली तरफ। तो गाइस अब हम टेस्ट करेंगे अपनी SUV को, SUV में कौन सी टेस्ट करना है, अपनी रेंज रोवर वलार को टेस्ट करते हैं हम। तो भाई फटाफट लेके चलते हैं इसको टेस्ट के लिए, तो यहाँ से भगाते हैं अपनी इस कार को। भाई काफ़ी भारी गाड़ी है, क्या ये जंप कर पाएगी, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से भाग रही है, स्पीड तो पकड़ ली है इसने, क्या होता है देखना पड़ेगा। भयंकर तरीके से थोड़ा सा यहाँ से तेज़ रफ्तार बढ़ाई हमने, और भाई रेंज रोवर पानी में नहीं जानी चाहिए तो बेइज्जती हो जाएगी भाई कार की। और भाई खतरनाक तरीके पार हो चुकी, बहुत बढ़िया, लेकिन यार काफ़ी खतरनाक तरीके पिचक चुकी है एक तरफ से, आगे का एक साइड का पहिया तो चल ही नहीं रहा। अब फिनिश लाइन जैसे तैसे पार कराते हैं, साइड में खड़ा करते हैं इसको भी, ये हो चुकी है हमारी विनर। अब लेके चलते हैं इसको साइड में खड़ा करने के लिए और फिर देखते हैं कितना नुकसान हुआ है इसमें। तो गाइस फटाफट अभी यहाँ खड़ा करते हैं इधर राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड खड़ी होंगी सारी सुपर कार्स। भाई आगे से बिल्कुल ख़त्म हो गई गाड़ी यार, काफ़ी तगड़ा नुकसान हो गया है अपना, चैलेंज के चक्कर में गाड़ियाँ टूट रही हैं अपनी। आप लोग बता सकते हो कौन सी गाड़ी लगाऊँ मैं, और तो आप कमेंट कर सकते हो अपनी फेवरेट कार को, हो सकता हो तो मैं लगा दूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और देखते हैं कौन सी कार होगी, सुपर कार होगी या फिर से ही SUV ट्राई करेंगे हम अपनी। तो भाई अब फटाफट चलते हैं, अब हम टेस्ट करेंगे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को, और लैम्बोर्गिनी सियान तो बड़ी आसानी से पार कर जाएगी। तो भाई यहाँ से अब फटाफट भगाते हैं लैम्बोर्गिनी को, भाई ये तो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती है स्टार्ट होते ही, यहाँ 150 यूँ ही क्रॉस कर गई है भाई, अब इसको रैंप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पार हो जाएगी भाई। तो फटाफट भगाते हैं, और ये पार कर चुकी है 200 की रफ्तार से। भाई साहब तो भाई ठुकनी नहीं, पानी में नहीं जानी चाहिए, ठुक जाए बेशक, भाई ठुक गई, ख़त्म है गाड़ी, स्टार्ट हो गई है।
भाई सही है इंजन, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से ठोकी थी ये सीधा इसमें रेलिंग में इसकी। तो भाई फटाफट हम इसको इस फिनिश लाइन क्रॉस कराते हैं और साइड में खड़ा कर देते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर हमें नहीं चढ़ानी है, पर्सन के ऊपर। और अब फटाफट पार्क करते हैं एकदम प्रोफेशनल्स की तरह, एकदम रिवर्स में। भाई साहब खतरनाक तरीके से, वह रेंज रोवर वैसी टूटी हुई है और कितनी तोड़नी है। अब सियान को अपने यहाँ खड़ा कर देते हैं और चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ को फटाफट। यहाँ पार्क कर दी, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस शीशे वगैरह टूटे हैं, वो सही हो जाएंगे। चलते हैं फटाफट अगली कार की तरफ। अब आ गए हम इधर और देखते हैं अब कौन सी गाड़ी टेस्ट करेंगे हम। अब हम अपनी टेस्ट करेंगे जी वैगन को, लेके चलते हैं फटाफट। भाई ये भी सुपर कार्स की में आती है, लेकिन ये एसयूवी है इसलिए हम इसको एसयूवी में काउंट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महंगी आती है, मर्सिडीज की है ये कार, इस वजह से। भाई इसको भगाते हैं, काफ़ी भारी गाड़ी है। तो गाइस क्या लगता है, ये पार कर पाएगी एक बार में ही? क्योंकि सबको एक ही चांस मिलेगा, तो एक बार में करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से भयंकर तरीके से स्पीड बढ़ाई, 300 क्रॉस कर चुकी है और भाई पानी में जाएगी मुझे तो लग रहा है। अरे भाई इसने तो फ्लिप मारते हुए बिना किसी एक भी डैमेज के भाई ये पार कर चुकी है, पहली कार बन चुकी है जिसने बिना किसी डैमेज के इस रैंप को पूरा पार किया है। भाई साहब बहुत बढ़िया रेंज, सॉरी जी वैगन, इसको यहाँ साइड में खड़ा करते हैं, ये हमारी पहली कार बन चुकी है जिसमें एक भी डैमेज नहीं आया, पूरा रैंप पार करा है। तब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। जी वैगन को यहाँ खड़ा कर दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। भाई अब हम लेके जाएंगे अपनी फरारी की स्पाइडर को, फटाफट भगाएंगे इसको। अब पहले स्टार्ट करते हैं इसको और अब लेके चलते हैं। अब हो जाए स्टार्ट, हाँ हो गई गाइस। एक बार इसकी आवाज़ सुनो, काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ है इसकी इंजन की। अब चलते हैं इसको लेके, स्टार्ट हो चुकी है। भाई स्पीड तो सही पकड़ी है इसने, 150 यूं ही क्रॉस कर गई, अब 200 भी क्रॉस कर चुकी है, पहुंच जानी चाहिए भाई बहुत बेहतरीन तरीके से। इसकी स्पीड काफ़ी सही है और गाड़ियों के मुकाबले। भाई पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंचेगी भाई। लो पानी में पहुंच गई है, तो अब भाई पानी में गिर गए, कुछ नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, कौन सी कार होगी देखते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे अपनी फॉर्च्यूनर को, भाई सबकी फेवरेट कार फॉर्च्यूनर। अब भाई अब फॉर्च्यूनर को देखते हैं इस रैंप पे क्या होता है फॉर्च्यूनर का। पहली बार हम फॉर्च्यूनर टेस्ट कर रहे हैं, तो भाई देखते हैं क्या होगा इसमें। चलो फटाफट भगाते हैं फॉर्च्यूनर को, 100 क्रॉस कर चुके हैं बड़े आराम से। भाई फॉर्च्यूनर पार तो कर पाएगी लगता तो है, वह उठ गई आगे से, स्पीड ज़्यादा ही हो रही है भाई, कहीं टकरा ना जाए। भयंकर तरीके से गई और हवा में उड़ते हुए पानी में ना गिर जाए। अब भयंकर तरीके से पार हो चुकी है, ये भी बिना डैमेज के पार होगी क्या? अरे लो नहीं हो पाई, ठुक गई, ऊपर से पिचक गई है गाड़ी थोड़ी सी, बट कोई नहीं, यहाँ से लेके चलते हैं साइड में। और भाई बच गया बंदा बार बार, ये नहीं तो उसके ऊपर आज गाड़ी चढ़ जाती। अब भाई हमारी फॉर्च्यूनर भी पार कर चुकी है, तो अब सुपर कार्स का स्कोर है 2 और एसयूवीज का स्कोर है 3। तो यहाँ 3 एसयूवीज पार कर चुकी हैं इस चैलेंज को और 2 सुपर कार्स, तो देखते हैं इस बार चैलेंज कौन जीतता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को, यहाँ से सीधा सुपर कार को लेने अपनी नेक्स्ट। अब हम टेस्ट करेंगे अपनी, कौन सी कार को टेस्ट करें यहाँ सोचना है। अब अपनी लैम्बोर्गिनी इग्निस को ट्राई करते हैं इस रैंप पे, क्योंकि काफ़ी तेज भागती है लैम्बोर्गिनी की कार्स। तो भाई सियान तो पार कर चुकी, टर्जो भी पार कर चुकी, क्या लगता है इग्निस पार करेगी? अगर आपको लगता है तो फटाफट लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर देना इसी बात पर, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। भाई पहुंच गए, पहुंच गए, ठुकी बच गई। अरे भाई बहुत भयंकर तरीके से पहुंच गई है स्पीड, रे भाई ब्रेक नहीं लगे, गई पानी में। ये भी पार तो कर दिया था गाइस, लेकिन ये पहुंच नहीं पाई, बैलेंस नहीं बना। तो चलते अब नेक्स्ट कार की तरफ को, तो अपनी लेके चलते हैं इस थार को, ये ओपन मॉडल है थार का, तो भाई लेके चलते हैं अब इसको फटाफट, देखते हैं थार पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी इस चैलेंज को। भाई लेके चलो फटाफट, स्पीड पकड़ो भाई, स्पीड तो पकड़ ही नहीं रही है, नकली थार तो नहीं दे दी मेरे को? भाई अभी तक 100 ही क्रॉस करी है इसने, 120, उससे ज़्यादा क्रॉस ही नहीं कर कर गई भाई, 200 क्रॉस, फिर कम हो गई, 252 कर जाएगी क्या भाई? कर गई, कर गई, कर गई। अरे
भाई टकरा के गिर गई नीचे। गाइस थार हमारी बाहर हो चुकी है यहाँ से, देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ तो गाड़ियाँ तैर रही हैं मछली की जगह। अब चलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट कार की तरफ को, और अब सोच रहे हैं कौन सी। 4 SUV बची हैं और 4 सुपर कार, तब हम टेस्ट करेंगे कौन सी कार को। अब सोच रहे हैं तो अब लेके चलते हैं अपनी BMW i8 को। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक कार है, इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी है ये, जरा सी देर में ही 150 क्रॉस कर गई, 160, 170, भाई बहुत भयंकर तरीके से बिना मॉडिफाई करे इतनी स्पीड पकड़ चुकी है ये। तो फटाफट चलते हैं, 200 भी क्रॉस, 250 भी क्रॉस, भाई ये पार कर लेगी बड़े आराम से। अरे ठुकी वे यार, ये टक्कर खा के यहाँ से गाड़ियाँ नीचे गिर रही हैं यार, अब क्या कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, कौन सी कार लेके जाएं अब। भाई काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे उस कार के लिए। तब हम टेस्ट करेंगे अपनी मर्सिडीज़ की AMG को। तो भाई काफ़ी हैवी गाड़ी हो, काफ़ी बड़ी भी है, तो क्या लगता है ये पार कर पाएगी। मुझे तो नहीं लगता गाइस पार कर पाएगी, तो भाई फटाफट चलते हैं लेके इसको। कर भी सकते हैं भाई, जब इतनी भारी भारी कार्स कर गई पार, तो ये भी कर सकती है भाई। कुछ कह नहीं सकते कौन सी कार कब पार कर जाए इस रैंप को। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है ये पार कर पाएगी तो फटाफट लाइक कर दो इसके लिए। तो भाई ये गई फ्लिप मारी इसने, पहुंच जाएगी पहुंच जाएगी। अरे लो ये जरा सी रह गई रैंप पे पहुंचने से, ये भी पानी में। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा इंजन चालू है, पार निकल पाए पानी से तो बाहर निकाल देते हैं। भाई ये यहाँ पे चढ़ चुकी है थोड़ी सी, लेकिन ये बाहर हो चुकी है चैलेंज से, अब बाहर निकलते हैं कार से। नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई है बस। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को, देखते हैं कौन सी कार होगी अब जिसको हम टेस्ट करेंगे। तब हम लेके चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर को। तो गाइस ये पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी कार का को कोई भरोसा नहीं कब कौन सी कार पार कर जाए। तो आपको अगर लगता है पार करती है, तो कमेंट में ग्रे कलर के इमोजी हर्ट वाले स्पैम कर सकते हो आप। भाई फटाफट चलते हैं, काफ़ी तगड़ी रफ्तार पकड़ ली है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ने, सीधे तरीके से गई और ये पानी में गई। भाई पानी में डूबने का रेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, रैम पार करने का टेस्ट हो रहा है। अब चलते हैं भाई अपनी इस वाली, इसका नाम मुझे याद आ चुका है, इसका नाम है पायलट। अब इसको लेके चलते हैं, वह डिफेंडर नहीं, पायलट को लेके जाना है, पानी में मत गिर जाइयो भाई। फटाफट लेके चलते हैं इस SUV को, काफ़ी बड़ी लग रही है, पार तो नहीं हो पाएगी, हो जाएगी लगता तो भाई, स्पीड तो सही पकड़ रही है, पार तो हो जानी चाहिए गाइस, पार हो जाएगी बड़े आराम से हो जाएगी। स्पीड सही पकड़ लिया, 200 यहीं पार कर ली इसने। तो अब भाई ऊपर चढ़ाते हैं, स्पीड कम हुई है लेकिन दोबारा स्पीड बढ़ गई, तेजी से लेके चलते हैं भाई, रैंप पार कर जा। अरे फिर गई है, पानी में डूबने का टेस्ट लगा रखा है इन लोगों ने। चलते हैं दोबारा अपनी नेक्स्ट कार की तरफ फटाफट, तब हम टेस्ट करेंगे अपनी फरारी को। भाई इसको भगाते हैं, ये तो पार कर जाए यार, नहीं तो सुपर कार्स के पॉइंट कम हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ 2 सुपर कार और 2 SUVs बची हैं। तो भाई इसको टेस्ट भी कर, जल्दी से पता चलेगा कि कौन जीता है आज के चैलेंज को, SUV या हमारी सुपर कार्स। तो भाई सुपर कार जल्दी भग, फरारी तेरे को जीतना पड़ेगा अगर सुपर कार्स को जिताना है तो। भाई यहाँ से गई 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 पार हो गई पानी में, अगर बाहर निकल गई तो ये जीत ही मानी जाएगी। भाई बाहर निकल चुकी है, अब इसको फिनिश लाइन क्रॉस कराते हैं। अगर भाई फटाफट निकल, हट जा भाई, बच गया नहीं तोड़ जाता अभी। अरे चलो भाई फिनिश लाइन क्रॉस, ये हमारी फरारी की भी पार हो चुकी है कार। तो फटाफट चलते हैं, इसको भी पार करते हैं भाई। यहाँ पे स्कोर बराबर हो चुका है, 3-3 हो चुका है, और देखते हैं कौन जीतेगा आज के चैलेंज को। जिसकी भी कार ज़्यादा होंगी वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। अगर सुपर कार से ज़्यादा होती हैं तो सुपर कार जीतेंगी, और अगर SUV ज़्यादा होगी तो SUV। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ को अपनी, तब हम टेस्ट करेंगे अपनी डिफेंडर को। पहले डोर बंद कर लेते हैं दोनों तरफ के, नहीं तो डोर टूटने के चांसेस हैं। तो क्या लगता है गाइस, डिफेंडर भी जीवे गन की तरह ही जंप करेगी? अगर लगता है तो लाइक ठोको इसी बात पे। तो फटाफट लेके चलते हैं डिफेंडर को अपनी, फटाफट भगाते हुए, काफ़ी तेज़ी से भारी गाड़ी है ये भी भाई। फटाफट चलो, 300 क्रॉस कर चुकी, ओ भाई ये भी जी वैगन की तरह ही क्रॉस कर रही है, कर गई कर गई कर गई।
अबे यार ये टप्पा खा गई उल्टी भाई, पूरे चारों तरफ के दरवाजे खुल गए हैं, पिछक गई है ऊपर से कार बहुत भयंकर तरीके से भाई, छोटी हो गई ऊपर से कार। अब चलते हैं इसको भी पार करते हैं, और अब अगली गाड़ी टेस्ट करेंगे, पहले इसको पार्क कर दे रहे हैं फिर देखते हैं क्या नुकसान हुआ इसका। तो भाई फटाफट पार्क हो जा, कहाँ घूम रही है इधर से उधर, पहिए काम नहीं कर रहे क्या पीछे गए, कर तो रहे हैं यार। यहाँ पार्क करते हैं, चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ को फटाफट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रेंज रोवर मंसार को टेस्ट करेंगे या बुगाटी चिरोन को। तो भाई अब सोच में पड़ गया हूँ मैं किसको टेस्ट करूँ, तो अब फटाफट अपनी सुपर कार को ही हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी अब एसयूवी को एंड में टेस्ट करेंगे, सबसे पहले सुपर कार ही स्टार्ट हुई थी तो अब भी सुपर कार ही टेस्ट होगी। तो भाई अब फटाफट भगाते हैं बुगाटी चिरोन को, दरवाजा बंद कर लेना, पता चले टूट गया दरवाजा। भाई फटाफट भयंकर तरीके से भगाते हुए इस कार को, तो भाई ये पार कर जानी चाहिए, नहीं तो सुपर कार बहुत बुरी तरीके से बाहर हो सकती है, क्योंकि चार कार पहुंच चुकी हैं एसयूवीज की। अरे भाई ठुक गई, पानी में मत गिरियो, बेशक ठुक गई खत्म हो गई गाड़ी आगे से, लेकिन पानी में नहीं गिरना है, बस बस बच गया भाई। तो भाई यहाँ स्कोर बराबर हो चुका है, देखते हैं पहुंच पाएगी, यहाँ मत गिर जाइए पानी में। हाँ तो भाई यहाँ स्कोर बराबर हो चुका है, एसयूवीज भी चार और सुपर कार भी चार, बट एसयूवीज के पास अभी एक कार बची है, तो देखते हैं एसयूवीज जीतेंगी या टाई होगा यहाँ पे। मैं आगे निकल आया जोश जोश में, अब थोड़ा पीछे लेके चलते हैं कार को, यहाँ नहीं पार्क करनी भाई, पीछे है अपनी सारी कार्स। तो भाई फटाफट चलते हैं इस कार को भी पार्क करते हैं। अरे लो ठुक गया, बोनेट गया आगे से, क्या गाड़ी चुराने आए हो सर, भाग जाओ यहाँ से। भाई यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं हम, वो गाड़ी चुराने आ गए जी वैगन, सही टाइम पे आ गए, नहीं तो भाई जी वैगन लेके भाग जाता हूँ। तो भाई अब बुगाटी को यहाँ खड़ा करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ को, अब रेंज रोवर को टेस्ट करते हैं, अपनी लास्ट कार एसयूवी रेंज रोवर मंसार। भाई काफ़ी बढ़िया कार है ये, तो अब लेके चलते हैं इसको फटाफट भयंकर तरीके से भगाते हुए। तो गाइस क्या लगता है, ये लास्ट कार पार कर पाएगी और एसयूवी जीत पाएंगी? तो अगर आपको लगता है तो भाई लाइक कर दो, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो भाई चलते हैं लेके फटाफट भयंकर तरीके से, पानी में मत जाइयो। अरे भाई अभी डिफेंडर और उसकी तरह पार कर चुकी है, भाई अभी जी वैगन की तरह विदाउट डैमेज पार करी है इस कार ने, तो भाई इसको भी पार, और यहाँ पे इसी के साथ पार्क हो चुकी है। अरे ठुक गई भाई, काफ़ी खतरनाक तरीके से आई गाड़ी और ठुक गई। अब यहाँ पार्क करते हैं, साइड में ही इसको लगा देते हैं, और गाइस यहाँ पे एसयूवी जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ 5 SUVs पार कर चुकी हैं इस चैलेंज को और 4 सुपर कार ही पार करी है। तो आज के विनर है हमारे चैलेंज के एसयूवी। तो भाई काफ़ी तगड़ा चैलेंज था, इस रैम को बनाने में बहुत मेहनत लगी। अगर आपको ये रैम चाहिए तो मैं इसकी फाइल आपको जल्दी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराऊंगा, वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और चैनल पर नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, और जब तक के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।